अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरा व्लॉग। माशाल्लाह, तो आपको पता है जैसा कि आज ईद का दिन था, तो हमारे रमज़ान का एंड हो चुका था दिन, तो माशाल्लाह बड़ा प्यारा दिन था। मुसलमान के लिए खुशी का दिन होता है और सब एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटते हैं। तो माशाल्लाह मैंने इंटर बेटा प्यारा व्लॉग स्टार्ट किया, उसको मैंने कहा ईद का दिन का व्लॉग बनाते हैं माशाल्लाह। तो अभी नमाज पढ़ी थी फजर की और तो व्लॉग स्टार्ट कर दिया था, तो कुछ सीन ऐसा था, मैंने कहा चल जो हमारे गाँव में कैसे ईद मनाई जाती है वो आपको सारा व्यू चेक करवाया जाए, ताकि आप मतलब कि इंटरटेनमेंट हो सके। ये माशाल्लाह अबू ईद के लिए रेडी हो रहे थे और मैं भी रेडी हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए रवाना हो रहे थे घर से, तो माशाल्लाह ये ताए अबू भी गेट के ऊपर खड़े मेरा इंतज़ार कर रहे थे, मुझे बुला रहे थे कि आए जल्दी चले, टाइम हो रहा है। तो मैं भी वापसी ताए के साथ ईद पढ़ने के लिए रवाना हो गया माशाल्लाह। ताए की भी मेरी भी और लुकिंग फो माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। तो ईद का दिन था माशाल्लाह। तो इसी तरह हम देखते देखते चले गए, यहाँ पे काफ़ी माशाल्लाह लोग जा रहे थे यार, मतलब कि एक जगह पे पूरा गांव इकट्ठे होकर ईद की नमाज़ अदा करता है और गले मिलते हैं, तो ईद की खुशी दुबाला हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव में कोई ऐसा ही सीन था माशाल्लाह। الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر तो माशाल्लाह ईद की नमाज़ अदा हो चुकी थी, तो सब दुआ मांगने के बाद एक दूसरे के साथ गले मिल रहे थे और खुशियां बांट रहे थे और काफ़ी प्यार और मोहब्बत भी नज़र आ रही थी। तो पूरा मतलब कि गांव एक दूसरे के साथ भरपूर खुशी के साथ गले मिल रहे थे और ईद का जश्न मना रहे थे माशाल्लाह। तो ये मज़ा होता है गाँव का कि सब लोग एक जगह इकट्ठे होकर एक दूसरे को पहचानते भी होते हैं, लेकिन आपको पता है ईद पर तो हर बंदा ही एक दूसरे को ऐसे गले मिलता है माशाल्लाह, बहुत ही खुशी दुबाला हो जाती है। तो ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद माशाल्लाह तो कज़न की शॉप पे आया था, सारे कज़न इकट्ठे हुए थे, कुछ बाहर की तरफ थे अभी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इधर ही बैठा था कज़न के साथ, इंजॉय कर रहा था, गपशप कर रहे थे। तो वो कहीं भी होते हैं मतलब कोई अपने कारोबार में, कहीं अपने जॉब वगैरह पे, तो ईद के मौके पर सारे कज़न इकट्ठे हुए होते हैं, तो कोई सीन ऐसा था कज़नों के पास बैठे थे माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। उसके बाद सब कज़न इकट्ठे हो गए, तो माशाल्लाह ये गांव के अंदर ही था, बड़ा प्यारा डेरा निज़ाम था, घर था, एक दोस्त से मिलने आए माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त वीआईपी मॉल था। दोस्त से ये मतलब कि सारे कज़न इकट्ठे होकर एक दोस्त से मिलने आए थे, आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह, वो भी बड़ा प्यारा, व्यू भी बड़ा खूबसूरत आ रहा है। तो इंशाल्लाह यहाँ के भी लोग कमेंट करते हैं और ईद का ये छोटा सा भी लोग, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट के लिए जजाक लगा, दुआ में याद रखिए।